नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल शैरी है और मैं आपसे आज सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में बात करने आया हूँ। और स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या फिर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, सेल्फ हेल्प बुक्स होती क्या है? सेल्फ हेल्प बुक्स वो बुक्स होती हैं जो कहती हैं कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगी, जो रास्ता दिखाएंगी आपको कामयाबी तक पहुँचने का। सेल्फ हेल्प बुक्स वो होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने का दावा करती हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स वो होती हैं जो कहती हैं कि वो आपको जीना सिखाएंगी। तो इस तरह की किताबें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ये किताबें पढ़ने से एक ना एक दिन उनकी ज़िंदगी में बदलाव होगा और वो कामयाबी उनको मिल जाएगी, खुशियाँ उनके दामन में समा जाएंगी। मगर ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये एक भ्रम है जो पब्लिशर्स और राइटर्स मिलके फैलाते हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस दुनिया का हर आदमी, खासतौर पे एवरी इंडियन, कामयाबी के पीछे, खुशियों के पीछे भाग रहा है। हर इंसान को कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, खुशियाँ चाहिए, जीने की कला चाहिए, बातचीत की कला चाहिए, और इसी का फायदा उठाते हैं ये राइटर और पब्लिशर। किताबें पढ़ने से उन लोगों का तो जीवन बदलता नहीं जो इनको पढ़ते हैं, मगर हाँ, जो राइटर्स ऐसी किताबें लिखते हैं और जो पब्लिशर्स ऐसी किताबें छापते हैं, उनका जरूर जीवन बदल जाता है, उनका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ जाता है। दोस्तों, कामयाबी पाने का कोई एक नुस्खा नहीं है, कोई भी ऐसा सीक्रेट, कोई भी ऐसा राज नहीं है कामयाबी पाने का जो आपको पता ना हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कामयाबी पाने का कोई राज ही नहीं है? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, कामयाबी पाने का कोई राज नहीं है। ये बात सबको मालूम है कि अगर हम फोकस होके कि कोई भी काम करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, तो कामयाबी मिलेगी। खुश रहना जिंदगी में जरूरी है। ये भी ज्यादातर लोगों को मालूम है, ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो पता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे। जब हमें सब मालूम है क्या सही है क्या गलत, क्या करना जरूरी है क्या करना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन से काम करना जरूरी है, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं, तो फिर क्यों पढ़ते हैं ऐसी किताबें? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि हो सकता है इस किताब में कुछ ऐसा हो जो मैं ना जानता हूँ, और इसी भ्रम में वो किताबों पे किताबें खरीदते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है, मगर जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिंदगी में परिवर्तन के लिए दोस्तों कुछ करना होता है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, किताबें पढ़ने से नहीं होगा कुछ। तो दोस्तों, कुछ करिए, किताबें मत पढ़िए, ऐसी किताबों पे पैसे खर्च मत करिए। तो आज से प्रण कीजिए कि आप अपना काम ईमानदारी से, अनुशासन के साथ, पूरे ध्यान से करेंगे और सेल्फ हेल्प बुक से दूर रहेंगे। मोटिवेशन अंदर से उत्पन्न करेंगे, क्योंकि जो मोटिवेशन बाहर से आती है, इस बुक से जो आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलती है, वो कुछ ही समय की होती है। जब लम्हा गुजर जाता है, मोटिवेशन भी चली जाती है, मगर जब आप अंदर से प्रेरित होते हैं